सुपर बाइक चलाने का बहुत मन हो रहा है। R1 चलाऊं, 3000 चलाऊं, ये चलाऊं, ये। यहाँ हम गाड़ी खड़ी करते थे अपनी, जो पूरा खोद दिए इन्होंने, और वहां पर सामने किसी और की गाड़ी खड़ी होती है। जाना है आपको, जाना है? ठीक है ठीक है ठीक है, चल रहे चल रहे। अगर चलान हुआ ना MCD का, तुम दोनों ही भरोगे। हंस रहा है। लो भाई, मुबारक है मुबारक है मुबारक है, पासपोर्ट आ गया। बारिश में दुकानदारी को भी फर्क पड़ता होगा ना, कस्टमर कम हो जाते हैं, घर में ही चाय बना के पकोड़े बना के बैठ जाते होंगे। क्योंकि अभी हमारा बन रहा है बाहर जाने का प्लान, शायद हो सकता है हम एक बाइक भी साथ में लेकर जाएंगे गाड़ी के ऊपर लगा के। इसको जोड़ो, इसको देखो, ट्रक है ट्रक। तीन गायब हो गए। चलो देखें बाहर क्या हो रहा है। साधना गई है सब्जी लेने के लिए, सब्जी वाले भैया आए हैं, और सुबह सुबह हमें वहाँ से गाड़ी हटानी पड़ी क्योंकि गैस की पाइपलाइन बिछ रही है, यहाँ भी बिछ रही है वहाँ भी बिछ रही है। और अगर इन्होंने पूरा खोद दिया तो हम बाइक कहाँ से निकालेंगे भाई? मेरे को लग रहा है ठीक करके जाएंगे हाथों हाथ। अच्छा, पीछे वाली दो टाइलें टूटेंगी, इसे हमने गाड़ी हटा के ना वहाँ खड़ी कर दी है। हाँ, कौन है बात? आपने मना नहीं करा, हमारे घर के बाहर मत करो खुदाई। आज हमने करी एकदम बढ़िया नींद पूरी, सुबह के 11:10 हो रहे हैं, वीडियो हमारी रेंडर हो रही है, इसके बाद हम इसको अपलोड पे लगाएंगे, अपलोड करेंगे, रेडी होंगे, गायब हो जाएंगे, रेडी होके बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। नहीं नजर आ रहे तेरे को यहाँ से? नहीं आ रहे नजर? चल जा देख ले। साधना और साहिबा जा रहे हैं राशन का सामान लेने के लिए। ये देखो, जल्दी से बाय बाय करते फिर चलो अंदर, बाहर गर्मी है ना। कौन है? इसको भी जाना है, इसको भी जाना है। तुम लोग बस को बस। अच्छा, इसको जाना नहीं है, इसका दोस्त आ गया नीचे, इसको उससे मिलना है। कौन है? गाना गा रहा है। बस हो गया। चलो बाय 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 बाय। चलो अंदर। हो गया। चलो कोको के लिए ना मैं इतना दरवाजा खुला ही छोड़ देता हूँ, जब मन करे बाहर चला जाए। वो देखो बाहर ही घूम रहा है। ओए कोको, शाकाहारी हो गया, शुद्ध शाकाहारी, घास खा रहा है। चलो बढ़िया, आजकल मौसम भी बढ़िया हो रहा है ना, बाहर तो टेंशन नहीं है, चला जाता है बाहर, नहीं तो बाहर ही नहीं जाता था। और हमारा हो गया एक्सरसाइज का टाइम, काफ़ी दिन से ना बढ़िया एक्सरसाइज करी नहीं है, आज करेंगे एकदम बढ़िया एक्सरसाइज। यहाँ चल रही है अपनी एक्सरसाइज, और इसको देखो सोना ढूंढ रहा है। सोना मिल गया? सोना जब मिल जाए ना मेरे को भी दे दियो, ठीक है? ढूंढो, लगे रहो। एक बज गया। कौन आया? राशन आ चुका है, दरवाजा खोलते हैं यहाँ से। चलो चलो, देखो कौन आया बाहर। ओ ले आए भर के सामान। हैं? मदद करने आए? अभी आएंगे। ओ भाई साहब, ये तो भर के ले आए सामान। आ रहा हूँ। लिफ्ट 4th फ्लोर पे है ना, इसको बुला लेता हूँ, जब तक ये आएगी सामान भी लेकर आ जाऊँगा। जब भी घर से नीचे उतरता हूँ ना दिल खुश हो जाता है, सुपर बाइक चलाने का बहुत मन हो रहा है। R1 चलाऊं, 3000 चलाऊं, ये चलाऊं या ये चलाऊं, देखते हैं। आज चलाएंगे भी नहीं चलाएंगे, आज 2-3 जरूरी काम है वो निपटाने। वो भाई साहब, इतना सामान कैसे जाएगा? ये सारा कट्टे में डाल दो ना, एक और कट्टा ले आऊं ऊपर से। इनके पास ना ट्रॉली पड़ी थी। किन के पास? पड़ोसी के पास। पड़ोसी तो ट्रॉली लिफ्ट में तो जाएगी नहीं, लिफ्ट इतनी बड़ी थोड़ी है। पिछली बार तो हम ऐसी करके गए थे। क्या ट्रॉली चली गई थी लिफ्ट में? ऐसे नीचे से ले गए थे। अच्छा, नीचे तक ले गए थे ना, वहाँ तक तो मैं घसीट के ले जाऊंगा। छोड़ दो, ये ले जाऊँ, इसमें और डाल दो ना 2-3 बोतल। ये तो मेरे लिए बच्चे का वो है, बच्चे के सामान। अरे नहीं, इसमें दालें भी आराम से लेके जाना है। ऐसे इसकी गुद्दी पकड़ूंगा और ले जाऊंगा। अरे जाओ बच्ची। ये देखो, ये पकड़ी मैंने इसकी गुद्दी। अबे ये क्या हल्का सा, चलो ये छोड़ के आ रहा हूँ मैं लिफ्ट के पास। सारा सामान लिफ्ट में ठूस दिया मैंने, एक्सरसाइज कर ली, मैं रेडी हो रहा था। अपने को निकलना है, कहाँ निकलना है पहले बाइकें दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, दोनों बाइकें एकदम चमक गई हैं, लिशकारे मार रही है, लिशकारे। बाप रे, शिमला मजा आया हुआ आपको तो। शिमला गर्मी कितनी है बाहर? गर्मी तो है वैसे। एसी तो बंद है, वैसे ठंडा हो रहा है। और इसको देखो, इसको कैल्शियम बोन दे दी, अब इसके पास जाओगे ना गया गया करेगा। कोको कोको, राशन लाना आसान है लेकिन उसको संभालना और भी मुश्किल है, और संभाल के याद रखना
कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। कभी कभार तो साधना ही भूल जाती है, लेकिन सिर्फ मेरे को याद रहता है कहाँ रखा कौन सा सामान। क्यों साधना? इसको देखो, इसको भी याद रहता है भाई, तेरा भी नाम ले लिया बस, इसको भी याद रहता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे राशन ला के संभालना मुश्किल है ना, वैसे ही राइड से आके जितने सारे कपड़े होते हैं ना उनको भी संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। समझ ही नहीं आता कौन से धोने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हम ले जाते हैं। कुछ टी शर्ट तो ऐसी होती है जो हमने पहनी नहीं होती, तो धोने वाले धोने में डाल रहे हैं। पंचर किट है, एयर पंप है, बंजी है, बैग है, दुनिया भर की चीज़ें, और उनको ना सही से जगह पे संभालना पड़ता है, क्योंकि जब नेक्स्ट राइड आती है ना फिर कुछ सामान मिलता ही नहीं। अगर ढंग से संभालोगे तो सारा सामान मिल जाता है। बाकी आज का प्लान क्या है, जो साहिबा का हमने पासपोर्ट वाला काम करवाया था ना, वो पासपोर्ट आ चुका था, हफ्ता पहले ही आ चुका था। जो पासपोर्ट देने आते हैं ना पुलिस ऑफिसर, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि उसको अपने पास रख लो, वो कह रहे 4 दिन में रिजेक्ट करना होता है। हमने बोला अपने पास रख लो, हम आके आपसे ले लेंगे, हम पे यकीन करो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप भली फैमिली से लग रहे हो, तो उन्होंने अपने पास रख लिया। तो वो लेने जाना मॉडल टाउन, वहाँ से मोतीनगर जाएंगे घर वालों से मिलने, उसके बाद का प्लान मेरे को नहीं पता। ये दोनों काम निपटाने, और मेरे को लग रहा है इसी में पूरा दिन निपट जाएगा। बाकी गाड़ी खड़ी करने की जगह हमारी गायब हो गई है। यहाँ हम गाड़ी खड़ी करते थे अपनी, जो पूरा खोद दिया इन्होंने, और वहाँ पर सामने किसी और की गाड़ी खड़ी होती है। पता नहीं शाम को कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। हो सकता है शाम तक बंद भी कर जाए, हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का काम ऐसा होता है ना, अगर एक गड्ढा खोद गया ना तो महीनों महीनों ऐसा ही रहता है। ये यहाँ पर भी खोद दिया, उनके घर के वहाँ भी खोद दिया, वो आगे अभी खोद रहे हैं पूरी, जब तक खुदाई हो नहीं जाएगी ना, और यहाँ से ये तार वहाँ तक निकल नहीं जाएगी। बेसिकली तार नहीं, गैस की पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन यहाँ से वहाँ तक निकल नहीं जाएगी तब तक ये सारे बंद नहीं करेंगे। ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है ना जाते हुए कि उसको देख रहा है, और आज हम सोच रहे हैं इसको भी ले जाएं। ये भी बहुत टाइम से घूमा नहीं है, घर पर ही बैठा रहता है, तो छोटे मोटे काम है वो निपटाते हुए आना, तो इसको भी ले जाएंगे, सोच रहे हैं ऐसा। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। चलो आओ, चलो समझता सब है ये, चलो अंदर, चलो चलो चले, चलो चलो चलो। ये देखो इन भाई साहब को पता लग गया हम कहीं जा रहे हैं, और इसको लग रहा हम इसको नहीं लेके जा रहे। ये देखो, ये देखो, हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये ले ले ले, खा ले ले, खा ले पेंट, खा ले। साधना आज हम इसको भी लेके जाएंगे घूमने, तू भी चलेगी? चल लेना, शाम को वापसी आ जाएंगे। अबे कभी घर से निकल भी लिया कर, तेरा मन नहीं करता घर से बाहर जाने का? मन ही नहीं करता, घर में बैठे रहो सारा दिन, ये YouTube देखती है। भाई साहब कुछ अब नया सीखा तूने बनाने का YouTube पे? अच्छा सारा कुछ पहले ही आता है भाई साहब, सर्वज्ञानी है ये, रसोई की ना इसको सब आता है। चल रही है तो चल ले, शाम तक आ जाएंगे। ये देख लो भाई मना कर रही है, इसको ले जाए फिर हम। अब हमें ना कोको को लेके जाने के लिए साधना से परमिशन लेनी पड़ती है। इसको ले जाएं, शाम को ले आएंगे वापसी, है ना? बहुत दिन हो गए, है ना, बहुत दिन हो गए, ये भी नहीं घूमा बेचारा। आज तो घूमी घूमी जाओगे भाई, तू कभी मेरे को तू कभी मेरे को नए कपड़े पहनने देगा नहीं देगा। ये देखो आज मैंने ना ये जीन्स पहली बार पहनी, और जब पहली बार कोई जीन्स पहनो ना, ये देखो इसको देखो क्या है, ओए क्या है तेरे को, है खराब करने की पड़े रहते कपड़े। बैठ जा आराम से यहाँ पर, ये देखो यहाँ क्या, अब आराम से बैठेगा ये, अभी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ आ चुका है खाना, रोटी दाल दही, चीनी वाली दही। ठीक है पहुँच जाएंगे आपके पास ना। ठीक है भैया, चलो भाई चलो, चाय पियो और गायब हो जाओ। 2:30 बज रहे हैं और उनका फोन भी आ गया जिनसे मैं पासपोर्ट लेना, वो कह रहे टाइम से आ जाओ, लेट हो गए। चेयर्स भाई, चेयर्स। कोको आपको भी जाना है? जाना है आपको, जाना है? ठीक है ठीक है ठीक है, चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, हाँ चल रहे चल रहे भाई चल रहे। ओ आज तो मजे आ गए हैं, घूमने जा रहा है वो। चल चल, अपनी रस्सी खुद ही लेके जाऊंगा मैं। बाकी बहन के लिए कुछ सामान लेकर आए थे, वो पॉलिथीन ले लिए, पानी ले लिए, गर्मी बहुत है प्यास ले ली, गाड़ी की चाबी ले ली, बस और कुछ नहीं लेना अपने को। आराम से आराम से, पहले जा 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 तू जा जा, चलो जा ज्यादा जल्दी है भाई सबको, ओए पार्टी, हम तो घूमने जा रहे हैं भाई साहब। गाड़ी के नीचे डॉगी बैठा हमारी पार्किंग में, वो देखो ये तो इन महाराज ने देख लिया, उसके पीछे भाग रहा था। पक्का हो जाएगा ना शाम तक बंद? कह रहे शाम तक बंद कर देंगे, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। और बहुत टाइम बाद डिफेंडर चला रहे भाई, कितने दिन हो गए हैं। चलो सबसे ज्यादा जल्दी इसी को ही है, तोलिया स्पेशल लेकर आए भाई इसके लिए ना। बस बस मेरी पेंट पे नहीं भाई, मेरी पेंट पे नहीं, आज सफेद पेंट पे नहीं है। हाँ चलो उतरो, आज अपनी मम्मी के साथ ही बैठो, इसको पीछे रख देता हूँ ना। और ये देखो हम गाड़ी में लगाने के लिए क्या लेकर आए, क्या कहते हैं इसको, ड्रीम कैचर। ड्रीम कैचर लगेगा कैसे?
चलो ठीक है, तुम लगाओ तब तक मैं यू टर्न मारता हूँ गाड़ी का। क्या हो गया? गर्मी लगी उसको। गर्मी अभी तो आके बैठा है तू, तभी कह रहा था ना मत घर से बाहर, मेरी गोदी में नहीं आना, उधर हो जा, उधर हो जा। और ये देखो भाई, पूरी लाइन में पाइपलाइन डल चुकी है, देखो यहाँ गड्ढा किया भी था, बंद भी कर दिया है। कोको नो नो नो, इसको पकड़ लो ना यार, यहाँ ना आए। ये तोलिया मेरी गोदी में बिछा दो, फिर आ जाए। तो अभी का क्या सीन है ना, पहले समीरन को एक चाबी देकर आनी है छत की, जहाँ समीरन रह रहा ना, छत की चाबी यहाँ घर पे पड़ी हुई थी, यहीं पर भूल गया था, वो चाबी उसको देकर आनी है। एक पाइपलाइन लीक हो गई छत से और पूरे घर पे पानी भर गया, और ये अभी से नहीं, ये पिछले 7 दिन से हो रहा है। तो हमने प्लम्बर को फोन किया था, प्लम्बर आके ना मेन पाइपलाइन बंद कर गया था नीचे से, जिससे सारी टैंकी में पानी हो गया खाली। अब टैंकी में पानी भरने के लिए चलाया, फिर से पूरे घर में पानी भर गया। तो छत की चाबी उसको देके आनी, मैंने कोई दिक्कत नहीं, आज तू घर से मत निकल, ये काम करा, ये काम कराना जरूरी। और आपको पता है जो हमारे पड़ोसी है ना, पानी ना पूरा नीचे तक पहुंच गया था, पड़ोसियों ने एमसीडी में कंप्लेन कर दी, एमसीडी वाले आ गए, एमसीडी वाले ने बिल्डर को फोन करा जिन्होंने हमें मकान मिलाया, उसने उनको फोन करा, उनसे हमें फोन आया कि भाई साहब आपके घर से पानी लीक हो रहा है, आपका कटेगा मोटा चलान। हमने बोला जी हम तो घर पे है, हमने रेंट पे घर ले रखा, अगर उनके पास दूसरी चाबी है तो खोल लो, दूसरी चाबी उनसे खो गई है, चाबी एक ही है जो हमारे पास थी। तो ये बसूड़ी चलती रही पिछले दिनों में, जो मैंने आपको बताई नहीं, राइड के बीच में, राइड के बीच में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बीच बीच में चलती रहती है, व्लॉग में नहीं बताते ताकि आप लोग भी डिस्टर्ब ना, आप लोग बोलो भाई से पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो अब जाके उनको छत की चाबी देकर आऊंगा, फिर हम निकलेंगे, आज वो दोनों यही काम करवाएंगे, हम अपने काम निपटा लेंगे। लो मेरे भाई तुम्हारी अमानत। थैंक यू भैया, फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखना, काम करवा लेना, लेकिन आज करवा रहे हैं। अगर चलान हुआ ना एमसीडी का तुम दोनों ही भरोगे। चल ठीक है, बाय 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 बाय। जल्दीबाजी में ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। एक छोटे वाला बैग रेडी करता जिसमें पावर बैंक, डेटा केबल, पता नहीं क्या क्या था, अटरम शटरम, रोजमर्रे का सामान जो चाहिए होता है रास्ते में, और जो हाथ पे पहनने वाली वो नहीं होती, क्या कहते हैं उसको, स्लीव्स, वो भी उसी के अंदर थी। गर्मी बहुत ज़्यादा, गाड़ी से उतरना पड़ेगा, स्लीव चाहिए, वो बैग घर ही भूला हूँ। तो साधना को फ़ोन करा कि बैग लेके नीचे आ जा फटाफट से, वहाँ से पासपोर्ट वाले भैया का भी फ़ोन आ रहा, जल्दी जल्दी आओ भैया अपना पासपोर्ट लो, मेरा काम खत्म हो, देखते हैं क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। चलो कोको आपका घूमना हो गया, जाओ अब घर जाओ। हाँ घर जाओ, बाय कोको, बाय कोको, बाय, जाओ चलो, जाओ हो गया। हाँ इतने में ही, अभी तो घर से निकला भी नहीं था मैं, जाओ ले जाओ इसको मूर्ख को, जाओ ले जाओ, जाओ कोको जाओ, जाओ भाई, तो ओ भाई आज तक पीछे नहीं भागा, नहीं जाऊंगा मैं चाहे कुछ भी हो जाए, जाओ साधना लेने आई है, जा साधना पीछे से ले ले इसको। कह रहा ये क्या हो रहा है पीछे आके, काजो फिर आ गया। चल ठीक है साधना, शाम को मिलते हैं। ओ भाई मेरे बुल्लू। घर से बाहर निकलते ही जाम में फंस गए हैं, और ये महाराज भी थक गए हैं, फिर इसको समझ ही नहीं आ रहा, ज़्यादा एक्साइटेड है। जाओ पीछे जाके सो जाओ, जाओ मेन हाईवे से नहीं जा रहे, वहाँ जाम लगा होगा, आज मंडे है ना, सारे ऑफिस होंगे आज, हम जा रहे अंदर वाले रास्ते से। इसको देखो कितने मज़े आ रहे हैं, आज का दिन पूरा कोको का दिन है, बहुत टाइम बाद बाहर निकला है, मज़े लो जिंदगी के, कोकोस डे आउट। लो जी बारिश चालू हो चुकी है, कोको नहाना है, घर पे तो आप नहाते नहीं हो, अभी तो 2-3 बूंदे मुंह पे पड़ेंगे ना इसके, अपने भागता हुआ अंदर आएगा, पानी से ऐसा डरता है ये, नहीं डर रहा ना, आज तो डर ही नहीं रहा, अभी तेज हो नहीं रही ना, हल्की फुल्की शुरू हुई है, तगड़ी बारिश चालू होगी तगड़ी, अभी ना हम पेड़ के नीचे खड़े ना इसलिए पता लग रहा है, ये देखो इसलिए इसको फील नहीं हो रहा, हल्की सी गाड़ी आगे जाएगी ना फिर इसको पता लगेगा, भाग के अंदर आएगा ये भाई, यहाँ से कोको एकदम से गायब हुआ, इतनी तेज बादल गरजे ना, वो देखो पीछे जाके बैठेगा, सुसु नहीं करना, सुसु नहीं करना, यहाँ डर के मारे सुसु कर देता है ये, और डरपोक, खाली शेर बनता है नहीं है ये, तगड़ी बारिश चालू हुई भाई तगड़ी, ओ भाई देखो। इसे कहते हैं दिल्ली का बढ़िया मौसम, लेकिन जाम ना मिल जाए तगड़ा ना, डरपोक खाली शेर की तरह घेंगे करना आता है, बादल गरजते तो अंदर सीधा गायब। पता आप कोको क्या सोच रहा होगा, भाई ये तो गलत दिन घर से मैं बाहर आ गया, आज के दिन नहीं जानता घूमने, बारिश और बादल का गरजना, इसको इतना घबराता है ना भाई, ये वॉशरूम में जाके छुप जाता है, पीछे वाली सीट पे गया, सीट के वहाँ नीचे घुस रहा था भाई, इसका बस चला सीट के नीचे चला जाता, अब इसको एहसास हो रहा होगा गलत दिन घर से बाहर आ गया मैं, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, बस यही चीज़ नहीं चाहिए थी अपने को, जाम और दूर तक, वो देखो जहाँ तक नज़र जा रही है ना,
पता नहीं कब पहुंचेंगे हम। मुझे तो लग रहा तुम्हारा पासपोर्ट वो वापिस ही ना भेज दे अंकल। नहीं मैं नहीं बोल रहा, ऐसा जाम बोल रहा है। लो जी हम लोग पहुंच चुके हैं मोतीनगर और तगड़ा जाम था तगड़ा। यहीं पहुंचते पहुंचते 4:20 हो गए, लेकिन पहले यहां से जाएंगे मॉडल टाउन, फिर वापसी आएंगे अपने घर। और अभी 20 दिन की राइड करके दिल्ली दिल्ली में वीडियो बना रहा हूँ ना, बड़ा बोर बोर सा महसूस हो रहा है। बोर बोर सा ना, मतलब ऐसा हो रहा है ना कि ये क्या ही हो रहा है, खाली खाली सा आराम से गाड़ी चलाते जा रहे हैं, एसी की हवा खाते जा रहे हैं। वो एक एक्साइटमेंट, एक वो चीज ना खत्म सी हो गई है। चाय चाय चू चू नहीं हो रहा, लड़ाइयां नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दो चार दिन यहाँ रुकेंगे ना, फिर आदत पड़ जाएगी, फिर यहाँ की आदत पड़ जाती है, फिर वहाँ की आदत नहीं रहती। हाँ फिर ऐसा होता है अरे यार कहाँ जाना है। चलो ये तो चलता रहेगा भाई, ये लाइफ है। कभी भाग दौड़ चलती रहती है और कभी कभार आराम भी जरूरत होती है। तो ये 5-6 दिन आराम चलेगा, उसके बाद कुछ नया और नेक्स्ट लेवल आने वाला है। चलो ग्रीन लाइट होगी, निकले। चलती रहना चाहिए, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए लाइफ में ना। कोको हमारा सोने की तैयारी में है, गाड़ी में नहीं बोर हो जाता है, कहता उतारो मेरे को घुमाओ। अब कहाँ घुमाए जब तक गाड़ी चल रही है। एक बार ये पासपोर्ट वाला काम नहीं पड़ जाए ना, फिर मोतीनगर जाके इसको उतारेंगे सीधा। फिर तो पापा से मिलेगा, मम्मी से मिलेगा, है ओ छोटू। बाहर देखने में इसको बहुत मजा आता है, इसको भी दुनिया देखनी है, लेकिन ये कैसे देखे कैसे घूमे। इसका पासपोर्ट बन जाता है क्या डॉग का? हाँ, अय्यामिया का है ना पासपोर्ट, है और क्या? हाँ, इसका ही बनवा देंगे, पासपोर्ट बनेगा, इसको भी लेकर जाएंगे इंटरनेशनल ट्रिप पे। ग्रीन कलर का पासपोर्ट बनता है उसका, डॉग का। अच्छा जी, वो देखो वो खड़ी अपनी गाड़ी, गाड़ी वहाँ खड़ी करके हम यहाँ तक पैदल पैदल आ गए। हमें पता ही नहीं था कहाँ जाना है, अभी ढूंढ रहे हैं भाई साहब को, पासपोर्ट मिल जाए फिर यहाँ से निकलेंगे। लो भाई मुबारके मुबारके मुबारके, पासपोर्ट आ गया है फाइनली। उम्मीद तो नहीं थी मिलेगा, उम्मीद थी कि वापस चला जाएगा, लेकिन मिल ही गया। तो जो भाई साहब ने लोकेशन दी थी ना, वो यहाँ से 6 मिनट कहीं और है, मतलब इस साइड को नहीं है, लेकिन हमें ये लोकेशन दिखा रहा था, वो कहीं और खड़े, हम यहाँ खड़े। फिर हमने अपनी लोकेशन भेजी, फिर वो यहाँ पर आए। चलो ठीक है, जो भी है फाइनली अपना काम हो गया, गाड़ी भी दूर खड़ी करके निकल लिए थे, अब यहाँ से जा रहे हैं अपने घर मोतीनगर। ये देखो कोको बैठ के अंदर से देख रहा है, कोको कोको डर गई थी, आपको लगा हम आपको छोड़ के चले गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम काम से गए थे। चलो जी, दिल्ली में ऐसी बारिश हो रही है ना तगड़े तरीके से। ये देखो हमारा तिरंगा भी पूरा गीला पड़ा हुआ है, लेकिन सुंदर लग रहा है, तिरंगा तो तिरंगा है, तिरंगा लहराता रहना चाहिए। हवा नहीं चल रही ना बिल्कुल भी, छोटा तिरंगा जल्दी सूख गया है, सूख के लहराना भी शुरू हो गया है, बड़े वाले को टाइम लगता है ना। और भैया देखो हम लोग पहुंच गए पेरिस, आईफिल टावर है सामने। तो मैडम कह रही है ये आईफिल टावर नहीं है, वो ऐसा नहीं दिखता, ये टोरंटो का पता नहीं कौन सा सीएन टावर है, क्या है, सीएन टावर लगता है, सर्च करके बता रही कौन सा टावर। हाँ सीएन टावर ही है। हाँ सीएन टावर, सीएन टावर कैसा होता है? हाँ ऐसा ही है, ये भी चांद तारे तोड़ लाऊं दो मुक्के में प्रभजोत से खाओ। क्या बोला डॉक्टर ने? एक्सरे वगैरह करा, बाकी 6 बजे बुलाया। अच्छा एक्सरे हो गया है? बाबू ने मारा वारा क्या, इतना मुंह क्यों सूजा हुआ है? डॉक्टर ने मारा क्या आपको? भाभी ने मारा होगा, 10 दिन बोल के गए हो, 20 दिन लगा के हो, चाटे चाटे पड़े तभी मुंह सूजा हुआ है। यार राजू भैया बच्चे तो आपके शरीफ है, आप ही ऐसे हो हैं। राजू भाई का ना मन नहीं लग रहा, वीडियो कॉल कर रहे थे, डॉक्टर को दिखा के आए, कह रहे 6 बजे रिपोर्ट आएगी, एक्सरे वगैरह करवा के आए, और उनके घर में पूरा पानी पानी भरा हुआ है, वो अपने पानी में खेल रहे, कह रहे सुबह से नहाए नहीं है, हगने के लिए भी पानी नहीं है, मतलब वो ऐसा वो बता रहा था, मैं नहीं बता रहा, कह रहा इतना ही पानी नहीं है, उसको ठीक करा रहे, प्लम्बर वगैरह पहुंच गया, 1-1.5 घंटा लगेगा ठीक होने में, फिर वो नहाएंगे धोएंगे। इतने में हम भी मोतीनगर पहुंच गए और भूख भी लग रही है कैड़ी वाली है, कह रही खांडवी पैक करवा लेते हैं, मतलब एक बार घर पहुंच जाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या पैक कराना। और मेरे को गाड़ी के ना जो स्पेसर है ना आगे वाले दोनों टायर में से तो निकाल दिया, पीछे वाले टायर में से निकाला नहीं था, पीछे वाले टायर में कम रिस्क था, मतलब उसके पेच नहीं टूट रहे थे, आगे वाले के टूट रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ आज वो भी निकलवा देता हूँ, और जहाँ से लिए उनको वापसी करने हैं, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था ये ढंग के चले नहीं है, तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है आप ले जाना, आपकी पेमेंट में वापसी कर दूंगा, तो वहीं जाके निकलवा दूंगा। पहले घर जाते हैं, इन दोनों घर छोड़ते हैं, फिर निकलेंगे वहाँ के लिए। यहाँ की गलियों में आके ना अपनापन सा लगता है मेरे को, मुझे समझ नहीं आता क्या घर का है। हाँ तुम्हें नहीं समझ जाएगा, यहाँ सारी गलियाँ सेम दिखती ना, यहाँ पर खोल दुकान खुल गई नहीं, मतलब यहाँ आके ना वो सारा बचपन ही मेरा यहाँ बीता है ना, तो ऐसा लगता है कि
पाँच साल हो गए मैं गुड़गांव रहते हुए, 4-5 साल, लेकिन यहाँ के अभी भी ऐसा लगता है कि यहीं रहता हूँ मैं। यहीं तो रहते हो। ये तो बात है, शरीर वहाँ है दिल यहाँ है, ऐसा तो यहीं आ जाओ फिर। कर रहे हैं जुगाड़ कर रहे हैं। ये देखो ये बन रहा हमारा मकान बड़े वाला, पूरा कोठी बन रही है, यहीं शिफ्ट हो जाएंगे सारे के सारे हम। सरप्राइज है सरप्राइज। बस गाड़ी लगाने की जगह मिल जाए, ना मिले तो तुम और कोको उतर जाना, ऊपर जाना, मैं गाड़ी लगा के आता हूँ। दिख तो नहीं रही जगह। बस बस सारा सुख तो यहीं कर दे, अगर घर में करा ना फिर तेरे को पता लगेगा, मम्मी से पड़ेगी डांट। और आंटी जी कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप ठीक हो? चलो 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 चलते जाओ चलते जाओ। हाँ आज कोको भी आया है। लो भाई मैंने इसको छोड़ दिया, अब देखते हैं इसको घर याद है कि नहीं याद। ओ भाई सीधा घर के बाहर गया है, मैं देख रहा था इसको घर याद है कि नहीं याद। याद है तेरे को घर है ना? सो रहे होंगे वो, उनको बताया नहीं था ना हमारे यहाँ। मम्मी को बोला था, ओ नियाज तुम मत करियो, मम्मी को बोला था शायद आएंगे शायद नहीं आएंगे, पक्का नहीं है। इसको देखो, इसको मिलना पहले। कौन है कोको? इसको देखो पहले, बैठा था लेट गया है, पूछ ही ला। अच्छा ये तो साथ में ही आएगा ना? मैं तो ऊपर आएगा, नहीं आएगा आपके ऊपर, मैंने देखो रस्सी पकड़ी हुई है। पक्का पक्का मैंने पकड़ी हुई है, नहीं आएगा? विश्वासघात ले भाई, तुम पकड़ो, मेरे पे तो विश्वास ही नहीं आएगा। वो भागना मत लेकिन आप ना, आप बस पकड़ा है ना, भागना मत। लाओ सत श्रीकाल, सूंघने दो बस, उसको सूंघने दो, वो सूंघेगा नहीं ना, उसको पद बस सूंघ लिया। चलो आ जाओ, गहरी नींद में सोते हुए बेल की आवाज भी नहीं आ रही है। देखो आपसे मिलने आया स्पेशल, वो कौन है कोको? पूछ देखो कैसे ऐसे ऐसे हिल रही है, ऐसे ऐसे। हम आ गए हैं रसोई के बाहर, हमें दो पानी, उसके बाद दो खाना। इन भाई सबको ना तगड़ी भूख लगी। कोको खाना खाना है? खाना खाना है, सुबह एक मील खा के है ना, दिन में तीन खाता है। और अगली होती है 3 बजे, 5 बज गए, अब खाया नहीं ना इसने, अब रसोई के बाहर ऐसे ही देखता रहेगा जब तक मिलेगा नहीं इसको। ओए खाना खाना तेरे को? दोगे तो खा लूंगा, नहीं दोगे तो फिर बैठा ही, भूखा तो बैठा ही हुआ। एकदम से चालू हो गई, अभी तो थी नहीं, नामो निशान नहीं था। वो देखो गाड़ी हम कहाँ खड़ी करके आए हैं, जस्ट अभी ऊपर चढ़े ही हैं। तगड़ी बारिश, अब नहीं आएगा ये बार। अरे डरता है बारिश से बड़ा, बादल गरजा ना गाड़ी में था, ये पीछे वाली सीट के नीचे घुस गया, बाहर ही नहीं आया उसके बाद। बारिश में दुकानदारी को भी फर्क पड़ता होगा ना, कस्टमर कम हो जाते हैं, घर में ही चाय बना के पकौड़े बना के बैठ जाते होंगे, आते ही नहीं होंगे राशन लेने, है ना, हर काम का फर्क पड़ता है, हमारा भी तो पड़ता है। अब बाइक लेके थोड़ी निकल सकते हम वीडियो बनाने। वो देखो अंकल हेलमेट कहाँ खोल रहे हैं, रेडी के नीचे पहन रहे हैं, मेरे को लग रहा है बारिश से बचने के लिए खड़े हैं वो। अच्छा मोबाइल डाला उन्होंने थैली के अंदर, ध्यान से देखो ना, रेडी पे मोबाइल पड़ा हुआ है, भले ही मैं गीला हो जाऊँ मोबाइल नहीं गीला होना चाहिए। भाई सब ने लगा लिया मोबाइल मोबाइल स्टैंड पे और जा रहे हैं, आई थिंक कोई पार्सल वार्सल डिलीवर करने जा रहे हैं। रेन सूट भी पहन लिया यहीं खड़े खड़े ना। कोको के साथ साथ ना हमें भी भूख लग रही थी, हमने भी सुबह ही नाश्ता ही करा है, पनीर रोटी कोई बटर है इसके अंदर, और वो क्या मम्मी करेले, आम वाम नहीं है क्या आजकल, आम नहीं खा रहे आप? इससे पूछो क्या चाहिए, क्या लेना है कोको, क्या खाएगा बाबू? दूर तो अच्छा है, दूर से नहीं पास से भी अच्छा है, आप हाथ ही लगाते ना। क्या खाना है इसको? ये पता है इसके चावल यहाँ पड़े हुए हैं, ठंडे तो होने दो, गर्म है ना अभी। रोटी खानी है? रोटी नहीं, मैं तो चावल खाऊंगा दही के साथ। बोले 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 खाओगे, मजा आ गया। हाँ दही चावल साथ में आलू, भूख लगी थी ना उसको तगड़ी, जैसे इसको लगी थी। मुझे तो करेले बहुत स्वाद लगे, मजा आ गया बहुत। ला जा ला, कोको खा लेगा करेला? कोको कोको खिला दो करेला, खा लेगा वो? ना ना करेला नहीं खाएगा, खा लेगा खा लेगा, सब खा लेता है। क्या हुआ? फोटी आई है, तेज आई है। चलो चलो चलो, वो देखो कोको के दोस्त इसको घूमने नहीं दे रहे नीचे, भूल गए ना कोको को, और पूरी ज़्यादा पानी पानी हो रखा, बारिश हुई है ना अभी भी, बूंदाबांदी हो रही है, और बारिश में इन महाराज को पोटी आती नहीं है।
चलो आ रहा हूँ मैं। ये भाई साहब नीचे गए हैं ना पूरा गीला वीला होके, लड़ाई करके आगे पॉटी करके नहीं आए। अभी मैं जा रहा हूँ टायर का वो स्पेसर खुलवाने के लिए, क्योंकि शॉप बंद होगी फिर वो काम रह जाएगा और रहता ही जा रहा है, कितने महीने हो गए हैं। हाँ भाई ये देखो इन महाराज को मजा नहीं आता, दूसरे डॉग को देख नहीं पाते, तुम्हारा दोस्त है वो बचपन का भूल गए हो। ये मेरे को लग रहा है उनकी नई पीढ़ी आ गई है, ये बैठा है, ये देखो इसको स्कूटी चलानी है। कहाँ कहाँ सोते हैं? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक स्कूटी पे। चार यहाँ सोएंगे, टेबल के पास एक स्कूटी। अरे वाह, मतलब मजे हैं इनके। चलो बारिश भी रुक गई है। कितने टाइम बाद अपने एरिया में अकेला घूम रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है और मौसम भी बढ़िया है। नहीं तो हर बार क्या होता है ना कोई मेरे साथ ही होता है, या समीरन होता है या संतोष होता है, कोई ना कोई होता है। अभी साहिबा तो आई थी, साहिबा को मैंने घर पे ही छोड़ा, मतलब गाड़ी का काम करवा के आता हूँ, ये काम जरूरी है भाई, अगर ये काम नहीं हुआ ना रहता रहता रह जाएगा, क्योंकि अभी हमारा बन रहा है बाहर जाने का प्लान। शायद हो सकता है हम एक बाइक भी साथ में लेकर जाएंगे गाड़ी के ऊपर लगा के, प्लान बन रहा है, कुछ तगड़ा करने का सोच रहे हैं। अब देखते हैं कामयाब होता है नहीं होता, पहले अपन कोई भी प्लान बनाते हैं ना उसको चेक करते हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है नहीं हो सकता, अगर हो सकता है ना कुछ भी चांसेस होंगे तभी हम घर से निकलते हैं, अगर वो पॉसिबल ही नहीं होता ना फिर वैसा प्लान नहीं बनाते कि रिस्क वाला काम हो जाए। थोड़ा बहुत रिस्क चलते हैं लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। ओ भाई साहब यहाँ कब से कैमरे लग गए, सब्सक्राइबर थे अपने, ये देखो यहाँ भी कैमरा लग गया है, अपने को यहीं पर जाना है, पहुँच भी गए घर से निकले बाद में, पहले पहुँच गए। ये लो ये देखो तुम, उसको छोड़ो इसको देखो, ट्रक तीन गायब हो गए है, बढ़िया कमाल। ये ट्रक है इसमें नहीं काम कर रहा ये। पीछे वाले तो मैंने चेक ही नहीं करे, पीछे वाले सही है ना, आगे वाले में दिक्कत आती है ये। और इस गाड़ी में क्या सिस्टम है ना, जब भी आपको जैक लगाना है तो आपको लॉक करनी पड़ती है गाड़ी बिल्कुल डाउन करके ना, ये देखो लॉक पे लाइट जल गई ना, इसका मतलब लॉक हो गई है, अब आप गाड़ी ऑफ कर सकते हो, नहीं तो गाड़ी उठेगी नहीं और ऊपर जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी। घर से गाड़ी एकदम चमचमाती हुई लेकर आया था, बारिश ने क्या कर दिया। अभी देखो टायर अभी भी नहीं उठा, अभी देखना गाड़ी कितनी ऊपर जाएगी तब जाके टायर उठेगा, सस्पेंशन ऊपर जाता रहता है ना, अब जाके गया हवा में। ये भी टूट गया भाई, लगाते लगाते टूट गया, कहाँ गया टूटा हुआ, वो कहाँ गया, ये रहा ये रहा दिखा ना भाई साहब, ऐसा लग रहा चिपका रखा था, लगाते लगाते टूट गया एक और। ये 19 का 17 गोटी थी, जब मेरे पास बुलेट होती थी ना आधा बुलेट का काम मैं यहीं पर करवाता था घर के बिल्कुल पास ही ना, अपना गाड़ी का काम निपट गया, अब अपन जा रहे हैं घर को और टाइम हो चुका है भाई 7:05। हाँ सोया नहीं तू, ये सो रहा था क्या कर रहा था, सोया हुआ था, दिखाओ मेरे को दिखाओ एक बारी, ये देखो ये हम लद्दाख से लेकर आए थे, लकड़ है, नहीं नहीं लकड़ नहीं है रबड़ लगी हुई है इसके अंदर, तुम लिख भी सकते हो। क्या हुआ तुझे, क्या हुआ जाने चले, अच्छा फिर घुमा के, हाँ मैं घुमा के लिया कुछ भी नहीं करके आया, देखो इसको ऐसे खोल दोगे तो आप जाएगा ही जाएगा, इसको ऐसे खोल दिया खुल ही नहीं रहा ये, तो अभी बन गई डायरी, इसके अंदर आप पूरा खाता वाता लिख सकते हो अपने घर का, कितने का राशन आया क्या आया, थोड़ी छोटी हो गई है, छोटी हो गई है ले, क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ जाना है, नीचे जाना है, पहले भी तूने ऐसे ही करा था बुद्धू बना दिया, नीचे लड़ लड़ के आ गए उन डॉग के साथ, हैं नीचे जाना है। चलो इन भाई साहब को फिर से जाना है, अब ना करके है ना पोटी फिर नहीं लेके जाऊंगा को तेरे को कभी भी, मैं कसम खा रहा हूँ भाई, किसी ने बहुत तेज तेज गाने चला रखे हैं, आवाज आ रही है, धीरे चल धीरे 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 धीरे, अगर अब तूने लड़ाई करी ना किसी से फिर मैं तेरे को बताऊंगा। देखो यहाँ भी स्प्लेंडर खड़ी है घर के नीचे ना, रूट्स लगे हुए हैं, महाकाल लिखा हुआ है, अभी डर के मारे आगे नहीं जा रहा, आगे गाने चल रहे ना तेज तेज, चला जा आओ चले कोको आज आ जा बेटा, चलो फिर चलो उधर को, बस अभी लास्ट वाली सफाई, अब नहीं लेके जाऊंगा तेरे को, तेरे बहुत ड्रामे हो गए यार, अब तो आराम से बैठा, तू चिल्लाता भी रहेगा तब भी नहीं लेके जाऊंगा। भाई साहब इसने ऐसा बुद्धू बनाया है ना, फिर कुछ नहीं करके आया,
तो पीछे गाने बज रहे थे, आगे मशीन की आवाज आ रही है ना सरिया कटने की, उससे डर के गया ही नहीं। पीछे गाने बज रहे हैं, पीछे नहीं गया, वापिस आ गया, मेरी शक्ल देख रहा था नीचे खड़ा होके। यहाँ तो नहीं कर पाएगा आज पोटी, ये तो पक्का है। चलो बाय कोको, आप आज से यहीं रहोगे अपने पुराने घर। चलो हम जा रहे हैं। चलो ये चश्मा चश्मा, चलो भाई चलो चलो पीछे चलो। उसको देख तो लो। चलो 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 नहीं जाना बाबू, चलो चलो। अब तो सब करेगा, चल चल जाना है ना, हाई फाइव कर दे फटाफट से। हाई फाइव कर सर, हाई फाइव, हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर, अभी सब करूंगा मैं, मेरे को लेके चलो। चलो कोको, चलो जी निकल रहे हैं, 8:05। दूर तक लाइटें लगी हुई हैं, आई थिंक जन्माष्टमी निकली है ना उसकी लगी होगी, वो देखो पीछे दूर तक लाइटें हैं पूरी रोड पे। क्या पता गणेश चतुर्थी, हाँ हो सकता है गणेश चतुर्थी की लगी हुई है, देखो गणेश चतुर्थी का वो भी लगा हुआ है, प्रसाद मिल रहा होगा, बाय चांस हलवा मिल रहा होगा ना। क्या नहीं रुकने वाले, अभी मम्मी ने बोला था हलवा बना दूं। नहीं वो तो घर पे बना रही थी ना, प्रसाद का तो नेक्स्ट लेवल होता है, हलवा नहीं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है चावल है, कड़ी चावल है शायद। और हमारी गाड़ी का ना शीशा भी थोड़ा साफ नहीं है, अंदर से गंदा बाहर से नहीं। अभी तक हमने नारायणा क्रॉस नहीं करा, 8 घर से निकले हुए हैं और 8:35 यहीं पर हो रहे हैं, सोच लो इतना जाम है रास्ते के बीच में ना। और कोको महाराज को जल्दी से घर जाना है, मेरे को लग रहा है अब इसको ना साधना ही पोटी करवा सकती। ओ भाई साहब उड़ा दी इसने मिट्टी, भाई साहब आज गुड़गांव की लाइटें डांस कर रही हैं, ये देखो जल रही है बंद हो रही है, जल रही है बंद हो रही है, बिल्कुल ही बंद हो गई। हाँ ये देखो 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 देखो, बढ़िया है, बारिश हुई है ना, मेरे को लग रहा है अर्थिंग वर्थिंग हो गई है इनके अंदर ना, सारी लाइटों के अंदर। डिफेंडर में बैठे हो ना तो दूर तक जाम दिखता है, वो देखो सारा रेड रेड दिख रहा है रोड है ना पूरी। और इतने जाम में गाड़ी चलाते रहो ना, ऐसा लगता है भाई नींद ही आ जाएगी चलाते चलाते, मतलब ऐसे झपकी ना आ जाए। चल रहे हैं धीरे धीरे, चल रहे हैं धीरे धीरे, 9:15 यही हो चुके हैं, 8 के निकले हुए हैं, अभी आधा पौना घंटा और लगेगा, सोचो 2 लग जाएं घर जाने के लिए, 2 आने के लिए, 2 जाने के लिए, 24 में से 4 तो ख़त्म ही हो गए, हमने क्या किया। अब ऐसी नींद आ रही है ना, सोच रहा साहब है वो गाड़ी पकड़ाऊँ और साइड में मैं सो जाऊँ। नहीं थोड़ी सी चला लो जाम में, नहीं मैं थोड़े एक दो खराटे शराटे मार लूं। आपके चलाने से ही मुझे नींद आ रही है। तो तुम चलाओगी मुझे भी तो नींद आएगी। कोको बेचारे को नींद नहीं आ रही, कोको कह रहा मेरे को घर जाना है, मेरे को ले चलो, मैंने गलती कर दी आज बहुत बड़ी तुम्हारे साथ निकल के, आज के बाद नहीं निकलूंगा मैं, घर पे ही ठीक था। ऐसा लग रहा है किसी बस अड्डे के अंदर से निकल रहा हूँ, और ये भाई मेन रोड है, कापासीडा का बॉर्डर है, ये देखो यहाँ भी बसें खड़ी, कोई हड़ताल वड़ताल हो गई क्या बसों की, ये देखो यहाँ भी रोड पे बसें खड़ी है, रोड पे बीच में एक लाइन खुली हुई है और पीछे तगड़ा जाम लगा हुआ है, ये देखो आगे ही बसें खड़ी हुई है, फुल बसें ही बसें, मेरे को लग रहा है जैसे बसों की हड़ताल होगी, उधर भी बसें खड़ी हुई है, खड़ी हुई है, जा नहीं रही कहीं पर भी। हेलो जी, हम लोग आ चुके 23 की मार्केट, क्योंकि मैडम का मन हो रहा था खांडवी खाने का, तो हमने सोचा हम भी खा लेंगे, खांडवी के साथ ढोकला मिले तो वो भी ले आना, लेकिन यहाँ जाम बहुत है, गाड़ियाँ बहुत है। कोको देख रहा है, कोको जैसी पार्किंग मिले फटाफट से बता दियो, कोको को हमने बाहर निकाल दिया पार्किंग देखने के लिए ना, पार्किंग मिल गई अपने को और कोको को बाहर नहीं ला सकते, इसलिए मैं ही जा रहा हूँ खांडवी लेने ना, सामने वो ओम स्वीट पर पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। लो भाई खांडवी तो मिली नहीं यहाँ पर, मेरे को बादाम भी नहीं पसंद आ गई है, भीड़ है यहाँ पर ना अच्छी खासी, 280 की आधा किलो। जैसे ही पैक हो जाएगी ना एक पीस निकाल लूंगा खाने के लिए, हो गई एक पीस दे दो खाने के लिए। मजा आ गया भाई। लो जी खांडवी तो मिली नहीं, इडली सांभर पैक करवा लिया मैंने, भाई साहब ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो खांडवी मिल रही है ओम स्वीट से, अब पता नहीं कहाँ से आ रही होगी, लेकिन चार्जेस पता है कितने, 150 की खांडवी, 300 पहुँचाने के, तो खांडवी हमने कैंसिल कर दिया, खांडवी मिली नहीं, इडली सांभर ले लिया, उत्पम ले लिया और मिठाई ले ली, मिठाई मैंने खा भी ली। तेरे को खाना नहीं खाना है भाई साहब, सूर्य आया हुआ है ना, इसको उससे मिलना है, सूर्य पुरानी यादें दिखा दे एक बारी, नहीं ये देखो भाई साहब
ये सूर्य के भी इसने टैटू बना रखा है। हाँ, ये आपके पैर पे कूद रहा था जब आपका हुआ था। हाँ, जब मैंने उसको पकड़ के इधर करा, इसने इधर का पकड़ लिया। हाँ, तू तो अच्छे से ज्यादा है। तेरे पास रहा भी तो है, कितने दिन रहा था? 15 दिन। 15-20 दिन इसके पास भी रहा था ये। जब मैं जिप्सी लेके पूरा मनाली वनाली घूम रहा था ना, जब जिप्सी खरीदी थी वहां से, मैं फिर वहां गया था, फिर मैं इसको लेने आया था जब मैं श्रीनगर जा रहा था, तब ये 15 दिन इसके पास ही रहा था सूर्य के पास। पहचान तो अच्छी हो गई थी, लेकिन सूर्य ने इससे ले लिया था पंगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं बेड पे था, ये मेरे को परेशान कर रहा था कोको। सूर्य ने इसको ऐसे पकड़ के साइड करने की कोशिश करी, इन्हें बोला तू साइड करेगा। हाँ, परमानेंट टैटू तब से इसके हाथ पे बना हुआ, तब से सूर्य को अब थोड़ा वो है, ये ज्यादा उसका मुंह नहीं लगाता। ये तो लगाता है उसका मुंह, लेकिन वो नहीं लगा रहा। ये देख देखो बार बार, फिर चलो यहाँ से। बाकी ठीक है, रोप करते आपको आज के ब्लॉग में बताया होगा, आज का दिन थोड़ा ना रेस्ट डे था, लेकिन रेस्ट हो नहीं पाया क्योंकि 2-3 काम थे, वो जरूरी थे, वो निपटान थे। गाड़ी वाला काम निबट गया, पासपोर्ट वाला काम निबट गया, अपने घर भी हुआ है। मतलब आज का दिन अच्छा भी था और थोड़ा भागा दौड़ी भी थी। देखते हैं अब कल रेस्ट करेंगे, कल का दिन हो सकता है वीडियो ना बनाए, जैसा भी होगा देख लेंगे। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बोला। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय 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 बाय। चल भाई, बाय 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 बाय। डोसा उत्पम, अच्छा उत्पम, बाय बाय नहीं, उसको तो हाय हाय बोलो। अच्छा उसको हाय हाय, मेरे को लग नहीं रहा हमारे लिए कुछ बचेगा, लपेट देगी सारे का सारा। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।